अपनी टफली अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, मथुरा मंदिर विवाद में फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट कमिश्नर की मांग पर फैसला सुरक्षित, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सभी 16 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। शाही ईदगाह श्री कृष्ण विराजमान विवाद, मंदिर पक्ष ने सर्वे के लिए याचिका लगाई है और 3 सदस्यीय कोर्ट कमीशन नियुक्ति की मांग की गई, विवादित परिसर के सर्वे की मांग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है जो कि प्रयागराज से मिल रही है। मथुरा मंदिर विवाद में फैसला सुरक्षित रखा गया है, कोर्ट कमिश्नर की मांग पर यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। दरअसल मथुरा मंदिर विवाद में जो फैसला है वो फिलहाल सुरक्षित है, क्योंकि सुनवाई जो हुई है उसमें जो 16 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। और आपको बताते चले कि शाही ईदगाह श्री कृष्ण विराजमान विवाद, मंदिर पक्ष ने सर्वे के लिए याचिका लगाई है। 3 सदस्यीय कोर्ट कमीशन नियुक्ति की मांग की गई और साथ ही विवादित परिसर के सर्वे की मांग भी इस दौरान की गई। सोलह केसों में आज सुनवाई हुई, लेकिन इसमें कुछ में वादी उपस्थित नहीं हुए, कुछ में प्रतिवादी नहीं हुए, लेकिन हमारे केस में आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमारा यह विशेष रूप से कहना था कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाना चाहिए। कोर्ट कमिश्नर जाकर के पूरे एरिया की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जिससे कि जो तथ्य हैं, जो दीवारों पर बने हैं, जो मंदिर की दीवार है जिसे ये शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उन पर उन तथ्यों को मिटाने का पहले ही प्रयास किया गया है, तो वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए। वहाँ वीडियोग्राफी हो जाए, फोटोग्राफी हो जाए और कोर्ट कमिश्नर जाकर के वहाँ की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट करें। ये सभी तथ्यों को हमने रखा है, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष की ओर से 7-11 की एक एप्लीकेशन लगाई गई है। उनका कहना है कि यह केस मेंटेनेबल नहीं है और माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम आदेश रिजर्व कर लिया है और अग्रिम तारीख भी रिजर्व कर ली गई, जो तारीख आएगी आपको बता दी जाएगी। सर आज बताएं कि किस तरह से आज पूरे मामले की सुनवाई हुई है, क्या पक्ष रखा गया आपकी ओर से? सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक सुनवाई हुई और हमारा मेन पक्ष यही था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स का मैंने हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7-11 किसी भी स्टेज पर डिसाइड हो सकता है और ऑर्डर 26 रूल 9 में जो एडवोकेट कमीशन नियुक्त किया जाता है, इससे किसी भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा सकती है और 3 मेंबर एडवोकेट पैनल कमीशन बनाया जा सकता है। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई जवाब भी दाखिल किया गया? हाँ, मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया। उनका ये कहना था कि 7-11 पहले सुना जाए और एडवोकेट कमीशन ना नियुक्त किया जाए। अगर एडवोकेट कमीशन नियुक्त किया जाएगा वहाँ पे सर्वे होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी ये कोर्ट के सामने वो नहीं क्लैरिफाई कर पाए, बट बी दैट एज इट में आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट का जब फैसला आएगा तब पता चलेगा कि वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हो रही कि नहीं। सर दर्शकों के लिए एक चीज स्पष्ट कर दें कि किस विषय पर इसमें, चूंकि 16 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, किस विषय पर फैसला सुरक्षित किया गया है और बाकी अन्य जो याचिकाएं उन पर सुनवाई होती रहेगी, जो लीडिंग पिटीशन है उसमें और जो आपने अर्जी दी थी उस पर शायद फैसला सुरक्षित हुआ? देखिए, मैं इस केस में जो सूट नंबर 1 है, जो लीडिंग केस है, उसमें अपियर हो रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री और बाकी 7 लोगों की तरफ से दाखिल किया गया है। और इस लीडिंग सूट में मैंने एप्लीकेशन दी थी ऑर्डर 26 रूल 9 की एडवोकेट कमीशन नियुक्त करने की और उस पर आज माननीय न्यायालय ने अपना फैसला रिजर्व किया है। इसका और अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, माननीय न्यायालय का जब फैसला आएगा तो ये क्लैरिटी आएगी कि वहाँ पर एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा कि नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पे फैसला सुरक्षित किया गया। अच्छा, क्या मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया और इसको बाधित करने की मांग की? नहीं, मुस्लिम पक्ष ने 7-11 की एप्लीकेशन फाइल की है और उसका हमने कोर्ट के सामने यही पक्ष रखा कि इसमें वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है और अगर आप हिंदू मंदिर में घुस के वहाँ पे एक मस्जिद तामील कर दे तो उससे हिंदू मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 7-11 की एप्लीकेशन जब डिसाइड की जाएगी तब उसका हम डिटेल जवाब देंगे। पर आज की डेट में कोर्ट के सामने जो मुद्दा था वो ऑर्डर 26 रूल 9 का मुद्दा था कि वहां पे एडवोकेट कमीशन की नियुक्ति की जाए। कितने घंटे आज मामले की सुनवाई चली? सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक इसमें सुनवाई चली, उसके बाद माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित